सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हनी किचन जोन को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से बन जाने वाली रेसिपी, यानी कि नान खटाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे छोटे बड़े सभी बहुत इजीली तरीके से बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। सो आइए इसके इन्ग्रीडियंट्स हम बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप यहाँ पर हमने मैदा लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे हमने सूजी ली है, और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पे हमने इलायची पाउडर लिया है, और गार्निश के लिए यहाँ पे हम पिस्ता लेंगे। इससे हम अपनी नान के टाइप पे टॉपिंग पे हम इसको गार्निश करेंगे। 1/2 कप यहाँ पे हमने घी लिया है, आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, प्योर घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1 कप से थोड़ा कम यहाँ पे शुगर पाउडर लिया है, यानी कि 1/3 कप यहाँ पे हमने शुगर पाउडर लिया है। और हमें नीड होगी एक अंडे की, यहाँ पे हमने एक अंडा लिया जिसका हमें वाइट पार्ट नहीं लेना है, येलो पार्ट लेंगे। और अगर आप बिना अंडे के आप बनाना चाहें या आप अंडा नहीं लेते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और ये बिना एग के भी बहुत ही टेस्टी बनता है और इस एग का कोई ख़ास रोल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट हम अपना नान कटाई बनाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक खुला बर्तन ले लिया है और फ्लेम हमने अपनी ऑन कर दी है। इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, ये हमारा 1/2 kg सॉल्ट है। कप से मैं मेजर करें तो 2 कप हमारा ये सॉल्ट है, 2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसमें हम अब फ्लेम हमने ऑन कर दी, इसे प्री हीट होने रख देते हैं 8 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट इसे जब तक हम गर्म होने रख देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम अपना कर लेते हैं। जब तक हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं, यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे अपना शुगर पाउडर, और इसमें ऐड कर देंगे हम अपना घी। अब इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं जब तक ये फ्लफी सा ना हो जाए। ये काफी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये सिमुलिना सूजी, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम बेसन, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम अपना मैदा, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे एक स्पून की हेल्प से। बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ये डॉगी फॉर्म हो गया देखिए, और इसमें हमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब देखिए बहुत अच्छी तरह ही हमारा डो तैयार हुआ है। यहाँ हमने एक सिल्वर की फ्लैट सी एक ट्रे ले ली है, अगर आपके पास स्टील की अवेलेबल है तो आप स्टील की ले सकते हैं, पर होनी एकदम फ्लैट चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है हमारे पास उसे हम स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें इसको अच्छी तरह हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी स्प्रेड हो गई है। अब हम अपनी नान कटाई की छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से करके हम इस तरह से इसे राउंड बॉल बना के और एक इसको इस तरह से फ्लैट करके इसे इस तरह से हम अपनी ट्रे पे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। यहाँ हमने कुछ नान कढ़ाई तैयार कर ली है, अब इसमें हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं थोड़ा सा इस तरह से। सारी हम अपनी नान कढ़ाई पे इसी तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे, और ये हमने येलो पार्ट ले लिया है एग का, इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट हो गया हमारे। अब इसे हम बस हल्का सा इसे हम इस तरह से करके ब्रश की मदद से या फिर ऐसे आप इसे स्प्रेड कर लें। सब पे हमने लगा लिया है। अब इसमें थोड़े से हम अपना जो हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं इस तरह से पिस्ता इसमें हम ऐड कर देते हैं।
अब जो हमने हमने सब में ये लगा लिया, अब जो हमने अपना ये बर्तन रखा था सॉल्ट रख के प्री हीट होने के लिए, अभी इस ट्रे को हम उसमें सेट कर देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा इंक प्री हीट हो चुका है। अब इस तरह से हम अपने पास कोई कटोरी हो या बर्तन हो इसे उल्टा करके इस सॉल्ट के ऊपर रख देंगे और केयरफुली, ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। और ये ट्रे हम जो है हमने इसे इसमें हम इस तरह से सेट कर, देखिए हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं और यहाँ फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। सो फ्रेंड्स 10 टू 15 मिनट्स हो गए हैं, हम अपनी नान कढ़ाई देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छे से हो गई है। अभी हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी हमारी नान कढ़ाई बनके रेडी हुई है। इसे हम थोड़ा सा ठंडी करने, हमने इसे ठंडी कर लिया, थोड़ा सा इस तरह करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बैक हुई है हमारी, ये जली भी नहीं है और परफेक्ट कलर आया है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जली है, बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए बस आपको इसका ख्याल रखना है कि एक तो इसे बहुत खुला खुला रखना है, मैं तो थोड़ा सा दबा के एक साइड ज़्यादा कर देता, बट आप और ज़्यादा इसे खुला खुला करके रखें ये, क्योंकि ये अपने आप में ये फूलती है इसमें, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है तो इसलिए फूलती है ये तो। और इसे टाइम का बिल्कुल ख्याल रखें आप, 10 से 15 मिनट के बीच में एक बार चेक करें जल ना जाए, अगर नहीं हुई है तो फिर इसे और थोड़ा सा टाइम दे दें, 2 से 3 मिनट और इसे कुक कर लें इसमें अपने सॉल्ट वाले इसमें। और बाकी इसी तरह से ये कलर इसका होता है, ये देखिए हम आपको ठंडा होने के बाद ही इसे आप निकालें। ये देखिए कितनी अच्छी सी बन के रेडी हुई है, ना जली है ना कुछ, बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारी रेडी हुई है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी नान कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है, ये आपको बहुत पसंद आएगी, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स अगर आज की आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।